मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय से एक विधवा महिला को म्यूटेशन को लेकर 1 लाख रुपए की मांग कर्मचारी के द्वारा मांगने के आरोप को लेकर विधवा महिला ने पारू अंचलाधिकारी से मिलने पहुंची, जहां सीओ ने कर्मचारी को बुलाकर पूछा तो बताया कि आरोप बेबुनियाद है। इस पर गुस्साए अंचलाधिकारी ने विधवा महिला सुमन देवी को ऑफिस से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर महिला ने पारू प्रखंड के सरैया पंचायत के कर्मचारी योगेंद्र कुमार पर घुसखोरी का आरोप व ऑफिस से धक्का मारकर बाहर भगाने का आरोप लगाई है। वही महिला ने रोती हुई ब्लॉक परिसर में कर्मचारी को भद्दी भद्दी गालियां देती नजर आई। विधवा महिला ने बोली कि हम ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लेंगे। वही संबंध में जब हमारे संवाददाता ने सीओ मुकेश कुमार से सवाल पूछा तो बयान देना उचित नहीं समझे और मौखिक रूप से बताया कि आरोप बेबुनियाद है। सर, मेरा जो हिस्से का जमीन है वो जमीन को अगले आदमी ने लिखा लिया और दाखिल खारिज, जिस घर में रह रहे अनाथ है, एक छोटा बच्चा है, आय का कोई यही शुरुआत नहीं है। मेरे पति 2017 में मर गए, जिस घर में रहते हैं उस घर का दीवार अंगना राकेश मिश्रा जो वार्ड है वो जमीन लिखा के दाखिल खारिज कर लिया। हमने बार बार जोगिंदर के पास आए कर्मचारी को अपनी फरियाद को लेके, और बार बार कर्मचारी ब्लैकमेल किया मेरे साथ। क्या किया ये जोगिंदर? बार बार बोला नहीं ये काम हम नहीं किए हैं, और वह सही को गलत, गलत को सही करता है और पैसा पर बिकता है, अपनी कुर्सी को दुरुपयोग करता है, अपने पद को। हमने सीओ साहब के पास अभी आए, सब बात बोले, सीओ साहब के पास झूठ बोल दिया जोगिंदर साला, वह झूठ बोल दिया, और सीओ साहब हमको अपनी चैम्बर से निकाल दिए हैं और हमको डांटे, बोले तुम अभी निकल जाओ। हम इस सीओ को, माँ की कसम, सीओ को और कर्मचारी जोगिंदर को हम कुर्सी का छीनेंगे, यह पद को दुरुपयोग करता है। कितना पैसा मांगा गया है? पैसा हमसे मांगता है बार बार। कितना पैसा मांगा गया है? कहता तू 1 लाख रुपया ला तब तुम्हारा काम करेंगे। सीओ भी मिली, आप ही का जमीन है वो? मेरा 2 पटेदार का है, दोनों का। आपके पास उसका कागज है? जमाबंदी आपके नाम से है? नहीं, मेरे ददिया ससुर के नाम से।